सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती आधुनिक भारत के महान चिंतक, समाज सुधारक तथा आर्य समाज के संस्थापक थे। इनका जन्म 12 फरवरी 1824 को गुजरात के तनकारा में हुआ था। 21 साल की युवावस्था में दयानंद जी गृहस्थी को का त्याग कर आध्यात्मिक और धार्मिक सत्य की तलाश में निकल पड़े। उन्होंने वेदों के प्रचार और आर्यावर्त को स्वतंत्रता दिलाने के लिए मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। उन्होंने वेदों की सत्ता को सदा सर्वोपरि माना, वेदों की ओर लौटो यह उनका मुख्य नारा था। जीवन के हर क्षेत्र में स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति देने वाले सन्यासी द्वारा देश की स्वतंत्रता का यह शंखनाद ही आगे चलकर भारत को जनमन में गूंजने लगा। स्वाधीनता के इतिहास में जितने भी आंदोलन हुए उनके बीज स्वामी जी के अपने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से डाले गए थे। गांधी जी के नमक आंदोलन के बीज महर्षि ने तभी डाल दिए थे जबकि गांधी जी मात्र 6 वर्ष के बालक थे। सन 1857 में स्वामी जी ने अपनी किताब में लिखा, गरीब मेहनत मजदूरी करके निर्वाह कर सकते हैं लेकिन नमक के बिना नहीं। नमक का कर दंड तुल्य है, अतः लवण आदि से ऊपर कर नहीं रहना चाहिए। वे स्वदेशी आंदोलन के सूत्रधार थे। स्वदेशी भावना की प्रबलता को जगाते हुए उन्होंने बड़ी मार्मिक शब्दों में लिखते हैं, इतने से ही समझ लो कि अंग्रेज अपने देश के जूते का भी जितना मान रखते हैं उतना अन्य देश के मनुष्यों का भी नहीं करते। उनकी इसी स्वदेशी भावना का परिणाम था कि भारत में सबसे पहले सन 1879 में आर्य समाज लाहौर के सदस्यों ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का सामूहिक संकल्प लिया था, जिसका विवरण 14 अगस्त 1979 में स्टेटस मैन अखबार में मिलता है। उनके विचारों के महत्व को अंग्रेज बहुत गहराई से अनुभव करते थे। वे एक महान देशभक्त थे। 30 अक्टूबर 1883 को राजस्थान में मंत्र जाप करते हुए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। भारत के महान सपूत को आरजीएस फैमिली की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि। सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को भारत के हैदराबाद में हुआ था। इनके पिता अघोरनाथ चट्टोपाध्याय एक नामी विद्वान तथा माँ कवित्री थी और बंगला में लिखती थी। बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि होने के कारण 12 वर्ष की आयु में 12वीं की परीक्षा अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण की और 13 वर्ष की अवस्था में लेडी ऑफ द लेक नामक कविता लिखी। सर्जरी में क्लोरोफॉर्म की प्रभावकारिता साबित करने के लिए हैदराबाद के निजाम द्वारा प्रदान किए गए दान से सरोजिनी नायडू को इंग्लैंड भेजा गया था। फारसी भाषा में एक नाटक मेहर मुनीर लिखा, द वर्ल्ड ऑफ टाइम, द ब्रोकन वीक, नीलाम्बुज ट्रेवल्स शांग उनकी प्रकाशित पुस्तकें हैं। 70 वर्ष की
अवस्था में आयु में 2 मार्च 1949 को दिल का दौरा पड़ने के कारण उनका देहांत हो गया। स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाने वाली सरोजनी नायडू ने भारत को आज़ादी दिलाने के लिए संघर्ष किया था। उन्होंने भारतीय समाज में फैली कुरीतियों के लिए भारतीय महिलाओं को जागृत किया, भारत की स्वतंत्रता के लिए विभिन्न आंदोलनों में सहयोग दिया। काफ़ी समय तक वे कांग्रेस की प्रवक्ता रहीं। जालियांवाला बाग हत्याकांड से दुखी होकर 1908 में मिला कैंसर ए हिंद सम्मान लौटा दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन में उन्हें आगा खां महल में सजा दी गई। वे उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी। एक कुशल राजनेता के साथ साथ वे अच्छी लेखिका भी थी। 1903 से 1917 के बीच टैगोर, गांधी, नेहरू अन्य न्यायिकों से भी मिली। महात्मा गांधी से उनकी प्रथम मुलाकात 1914 में लंदन में हुई और गांधी जी के व्यक्तित्व ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। दक्षिण अफ्रीका में वे गांधी जी के सहयोग में रहीं। वे गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक पिता मानती थी। भारत को किला सरोजनी नायडू को आरजेएस फैमिली की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी ये कविता में देश की उस वीरांगना के लिए ओज था, करुणा थी, स्मृति थी और श्रद्धा भी। इसी एक कविता से उन्हें हिंदी कविता में प्रसिद्धि मिली और वे साहित्य में अमर हो गई। उनका जन्म 16 अगस्त 1904 को इलाहाबाद के पास निहालपुर में हुआ था। उनके पिता रामनाथ सिंह जमींदार थे, लेकिन पढ़ाई को लेकर जागरूक भी थे। सुभद्रा जी बचपन से ही प्रतिभाशाली थी। उनकी पहली कविता 9 वर्ष की उम्र में छपी थी, जिसे उन्होंने नीम के पेड़ पर ही लिख दिया था। वे महात्मा गांधी जी के आंदोलन में भाग लेने वाली प्रथम महिला थी और कई बार जेल भी गई। सुभद्रा जी और महादेवी वर्मा जी दोनों बचपन की सहेलियां थीं। सुभद्रा जी की पढ़ाई 9वीं कक्षा के बाद छूट गई थी। उनका बचपन से ही दबंग और बहादुर और विद्रोही स्वभाव था। वे अशिक्षा, अंधविश्वास आदि कुप्रथाओं से लड़ी। जलियांवाला बाग हत्याकांड से उनके मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने 3 ज्वलंत कविताएं लिखी। जलियांवाला बाग बसंत में उन्होंने लिखा, परिमलहीन पराग दाग सा बना पड़ा है, हा यह प्यारा बाग खून से सना पड़ा है, आओ प्रिय ऋतुराज किंतु धीरे से आना, यह है शोक स्थान यहाँ ना शोर मचाना, कोमल बालक मरे यहाँ गोली खा खा कर, कलियाँ उनके लिए गिराना थोड़ी लाकर। 1920 में जब चारों ओर गांधी जी के नेतृत्व की धूम थी, तो उनकी मांग पर दोनों पति पत्नी स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए प्रतिबद्ध हो गए। आज़ादी से उनकी कविताएं और भी देश प्रेम में रम गई थी। उन्होंने अपने जीवन में 88 कविताएं और 46 कहानियां की रचना की। वे वीर रस की कविताएं लिखती थी। उनका पहला काव्य संग्रह मुकुल 1930 में प्रकाशित हुआ। उनकी कविता झांसी की रानी बहुत चर्चित रचना है। उनकी चंद लाइनें, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भृकटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने को सबने मन में ठानी थी, चमक उठी 1857 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। 15 फरवरी 1948 को 43 वर्ष की आयु में उनकी एक्सीडेंट से निधन हो गया। आरजेएस फैमिली की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि। जय हिंद, जय भारत।
अपनी सुरीली आवाज से दुनिया पर दशकों तक राज करने वाली सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर का निधन 6 फरवरी 2022 को हो गया। आरजेएस फैमिली की ओर से मैं प्रेम प्रभा झा इंदौर मध्य प्रदेश से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। भारत रत्न से सम्मानित गायिका ने मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। वे 92 वर्ष की थी। भारत की नाइटिंगेल के नाम से दुनिया भर में मशहूर लता मंगेशकर ने करीब 5 दशक तक हिंदी सिनेमा में फीमेल प्लेबैक सिंगिंग में एक छत्र राज किया। उन्होंने 1942 में महज 13 साल की उम्र में अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने कई भारतीय भाषाओं में अब तक 30,000 से अधिक गाने गाए हैं। उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा जा चुका है। इसके अलावे उन्हें पद्म भूषण, पद्मश्री और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। उनका जन्म इंदौर में 28 सितंबर 1929 को हुआ था, लेकिन उनकी परवरिश महाराष्ट्र में हुई। वे बचपन से ही गायक बनना चाहती थी। पिता की मृत्यु के बाद 13 वर्ष की थी जब वो थी, तब उन्हें पैसों की बहुत किल्लत झेलनी पड़ी और काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। उन्हें अभिनय बहुत पसंद नहीं था, लेकिन पैसों के लिए कुछ हिंदी और महाराष्ट्री फिल्मों में काम किया। हर गाने को लता जी विशेष बना देती थी, चाहे वो रोमांटिक गाना हो या राग आधारित हो, भजन हो, देशभक्ति से ओतप्रोत हो। उनके द्वारा गाए गीत ए मेरे वतन के लोगों का धुन सभी को प्रिय है। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की भी आंखें भर आई थी उनके इन गीतों को सुनकर। उनकी गीतें दीदार, बैजू बाबरा, उड़न खटोला, मदर इंडिया, बरसात, श्री 420, चोरी चोरी, सजा, हाउस नंबर 44, देवदास, मधुमती, आज़ाद, आशा, अमरदीप, बागी, रेलवे प्लेटफार्म, कबीरा रोया, चाचा जिंदाबाद, मुगले आजम, दिल अपना प्रीत पराई, 20 साल बाद, अनपढ़, मेरा साया, वो कौन थी, आए दिन बहार के, मिलन, अनीता, सागिर्द, मेरे हमदम मेरे दोस्त, जीने की राह जैसी सैकड़ों फिल्मों में मधुर गीत गाए। ऐसी महान विभूति के नाम भी कभी न कभी आरजेएस फैमिली के लोग अपने पूर्वजों की स्मृति में राष्ट्रीय सम्मान जरूर घोषित करेंगे। आरजेएस फैमिली की ओर से उन्हें बार बार और विनम्र श्रद्धांजलि।